नमस्ते दोस्तों, सुषमा रियल लाइफ ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे छोटे भाई बहन को प्यार भरा आशीर्वाद और मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उस दिन मैं किचन की साफ़ सफाई की थी तो जो अलमारी का पर्दा था उस पर्दे को नहीं धुली थी, तो वही पर्दे मैं लेके धुलने लगी हूँ। और उस दिन डिब्बे भी थे, तीन डिब्बे थे साफ़ करना, तो डिब्बे भी मैं रख दी थी, तो डिब्बे भी लेके बैठी हूँ। बस पर्दे धुल के डिब्बे भी साफ़ कर ले रही हूँ। और दोस्तों, पीटीएम में गई थी बच्चों के स्कूल में, तो वहाँ से आई तो सिर में दर्द था, तबीयत ठीक नहीं था। और दोस्तों, मेरे तीनों बच्चों का तबीयत नहीं ठीक था। दो दिन तीन दिन हम लोग एकदम परेशान थे, हाथ दर्द, पैर दर्द, सिर दर्द, बुखार, यही लगा था। और ये जो मौसम है, ठंडा लगता है सुबह सुबह थोड़ा, और इसके बाद दोपहर में धूप हो जाती है, तो धूप से भी वही नुकसान कर देता है। और जो भी मेरे दीदी भाई वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए। तो ये देखिए दोस्तों, भुट्टा कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे ही भुट्टा लगा है इस समय खेत में। तो दोस्तों, जो मक्का था हमारा, ये ज़्यादा पूरे खेत नहीं हुआ क्योंकि बारिश हुई नहीं जब बुआई हुई थी, तो पूरे खेत भर नहीं हुआ है, थोड़ा ही हुआ है। और इस समय गांव में दोस्तों एकदम हरियाली, एकदम अच्छा लगता है देखने में। तो और दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी कद्दू की सब्ज़ी शाम को। तो मैं प्याज कट कर ले रही हूँ, ऐसे ही कट करती हूँ, ऐसे ऐसे कट करके और फिर सीधे सीधे कट कर दूँगी, तो बहुत जल्दी छोटे छोटे कट जाते हैं प्याज। तो हम तड़के के लिए प्याज को काट रहे हैं, और मसाले में ये मसाला मैं ली हूँ और जा रही हूँ पीसने। पीस के आ गई दोस्तों, तो फिर हम गरम तेल था सरसों का, उसमें तड़का दे दी हूँ पचफोरन का, और कद्दू है काट ली हूँ। और तड़के में पचफोरन के बाद तेज़पत्ता और दो लाल मिर्च, और इसके बाद मैं प्याज तड़के में डालूँगी, और प्याज मेरा अच्छे से थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। और दोस्तों, मैं पानी नहीं ऐड की थी सब्ज़ी में, और मेरी सब्ज़ी बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी थी। आप लोगों के साथ दोस्तों मैं रेसिपी शेयर कर दे रही हूँ, एक बार आप लोग ज़रूर ऐसे बना के ट्राई करिएगा। अब दोस्तों, थोड़ा हमारा प्याज हो गया है, तो इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिए हैं, और 2 मिनट इसको हम पका ले रहे हैं ताकि इसका कच्चेपन अच्छे से निकल जाए। तो फिर हम इसमें मसाला ऐड कर दे रहे हैं, और मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे और तब इसको चलाते हुए फिर ढकेंगे भी, और तब तक भूनेंगे जब तक मसाले से अच्छी खुशबू ना आने लगे, मसाले से तेल ना छोड़ने लगे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो मसाले के साथ ही नमक ऐड कर देती हूँ, तो मैं नमक भी इसमें ऐड कर दी हूँ। तो दोस्तों, हम इसको अच्छे से पका ले रहे हैं, और फिर इस पकने के बाद दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे कद्दू। तो हम मोबाइल हम ही लिए थे, अभी मिटियाई हैं तो थोड़ा सा वीडियो बना ली है, और नहीं दोस्तों मैं ही मोबाइल लेके एक हाथ से मोबाइल ली थी और एक हाथ से वीडियो बना रही थी, इसलिए थोड़ा सा मोबाइल कुछ ज़्यादा इधर उधर हो जा रहा था। और दोस्तों, इसको अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं, और दोस्तों इसको धीमी आंच में हम पकाए थे, एकदम तेज आंच, हाई फ्लेम हमें नहीं करना है, एकदम स्लो आंच करना है। तो मैं इसे एकदम मीडियम और एकदम लो आंच करके इस गैस तभी मैं पकाई थी, और पक गया था बहुत जल्दी भी। तो मैं आटा गूंथी, इसके बाद दोस्तों मैं रोटी भी बनाने लग गई, तो सब्ज़ी मेरी बन रही है एक तरफ और एक तरफ रोटी बना रही हूँ। जिस तरफ सब्ज़ी रखी हूँ दोस्तों, इस तरफ जो इस गैस का फ्लेम है ये कम जलता है, कम करने पे एकदम कम हो जाता है। तो दोस्तों, हमें दो चार मिनट करके ऐसे ही
चला चला के अच्छे से सब्जी को चला के हमें ऐसे ही पकाना है। पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि कद्दू है ये तो पानी खुद ही छोड़ता है। तो दोस्तों बन के सब्जी मेरी रेडी है और दोस्तों मेरा पर्दा भी सूख गया है। नमस्ते दोस्तों, खाना हो चुका है हम लोगों का और आप लोगों ने देखा कद्दू की सब्जी बनाई हूँ और बहुत टेस्टी सब्जी बना था। तो और जो पर्दा था अलमारी का उसको भी मैं आज साफ़ कर दी थी। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक था।